दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिंकू की रसोई में। आज मैं बनाऊंगी पपीता का भुजिया, इसे पपाया भी बोलते हैं। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको मैं काट लेती हूँ। पहले मैं इसको अच्छे से छीलूंगी, इसको इस तरह से काट लूंगी इस तरह से, और इसको मैं बीच से भी कट कर लूंगी, इधर से भी कट कर लूंगी। चलिए इसको अच्छे से छील लेते हैं। यहाँ पर मैंने पपीता को अच्छे से छील लिया है, अब मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। यहाँ पर मैंने दो पपीता लिया है, अब इसको धोकर अच्छे से मैं काट लूँगी। तो दोस्तों, मैंने पपीता को अच्छे से धो लिया है, अब मैं इसको एक प्लेट में रख दूँगी इस तरह से। अब मैं पपीता को काटूंगी इस तरह से। इस तरह से हमें एकदम छोटा छोटा पीस काटना है, बिल्कुल तरह बिल्कुल इसी तरह हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसको इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से काट लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं चलती हूँ गैस की ओर। यहाँ पर मैं गैस को जलाऊंगी और कढ़ाई को बैठाऊंगी। दोस्तों, कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। इसको हम गर्म होने देंगे। दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 3-4 हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसमें मैं पपीता को डाल दूंगी, ढक देंगे। इसको ढक ढक कर हम पकाएंगे ताकि ये जो मेरा भुजिया है वो जल्दी से पक जाए। अब हम इसका ढक्कन हटाकर एक बार फिर देख लेते हैं। इसे चलाएंगे, बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। इसको हमें ढककर ही पकाना है। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। एक बार इसको फिर से अच्छे से हम चला लेंगे। दोस्तों, ये जलना नहीं चाहिए, अगर जल जाएगा तो ये जो पपीता का भुजिया है वो कड़वा लगने लगेगा। तो हमें ध्यान से चलाते रहना है। फिर से ढक कर ही हम पकाएंगे। फिर से हम इसको एक बार चला लेते हैं। चलाकर एक बार देख लेते हैं ये पक्का हुआ है कि नहीं। ये आधा पक चुका है, अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो आपके अनुसार हमें नमक डाल देना है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार फिर इसको अच्छे से चला लेंगे। अब फिर से इसको, तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी हमारा भुजिया हुआ नहीं है। इसको अच्छे से चलाकर फिर हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, एकदम सिंपल सा भुजिया है।
इसको अच्छे से चलाकर इसको ढक देंगे, और ढकने के बाद इसको फिर से हम पकाएंगे। दोस्तों इसका ढक्कन हटाकर हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब इसे हमें ढकना नहीं है, इसको हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। पाँच मिनट में बनकर बिल्कुल जब तैयार हो जाएगा, इसको हम ढकेंगे नहीं, इसी तरह से भूनेंगे। तो दोस्तों ये भुजिया बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसी तरह से बीच बीच में इसको चलाया है, अब ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।